स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः हिंदी की इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर में और संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के इस यूट्यूब चैनल पे कल तक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन सी हैं इतिहास लेखन के स्रोत कौन से हैं इतिहास लेखन के जो स्रोत थे वहाँ तक की हमारी बात हो चुकी थी अब हम आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है इतिहास लेखन की परंपरा यानी यहाँ से हम इतिहास को स्टार्ट कर देंगे व्यवस्थित इतिहास लेखन की पहली पुस्तक जो मिली थी यानी पहला प्रयास जो हुआ था हम वहां से बात को शुरू कर रहे हैं साथियों खास बात यह है हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया वो एक विदेशी भाषा में लिखा गया था और मज़ेदार बात यह है कि उसे लिखने वाला भी एक विदेशी व्यक्ति था हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वाला पहला व्यक्ति विदेशी था और हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जो जिस भाषा में पहला इतिहास लेखन हुआ वो भी विदेशी भाषा थी हम यहीं से इस विषय को शुरू कर रहे हैं पिछली जो वीडियो अगर आप देखेंगे पिछली क्लास जो आप पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे कि इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन सी है विधेयवादी पत्ती कौन सी होती है कालाक्रम पत्ति कौन सी होती है विकासवादी पत्ति कौन सी होती है, है समाजशास्त्री पत्ती कौन सी होती है इन सब पे हमने विस्तार से अध्ययन किया था और इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोतों पर हमने बात की थी चौरासी वैषणों की वार्ता दो सौ की वार्ता भक्तमाल मूल गोसाई चरित्र जैसे बहुत सारे ग्रंथों की हमने बात की थी और आपने उसे देखा भी होगा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास लेखन जो 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन का जो व्यवस्थित काम हुआ था उसको हम शुरू कर रहे हैं तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखन की परंपरा आज हम परंपरा से शुरू कर रहे हैं तैयार हैं आप सभी आप हर चीज को इतनी तल्लीनता के साथ इतनी ईमानदारी के साथ और इतनी लगन के साथ पढ़िएगा कि आपको आनंद भी आए और हमारा उद्देश्य भी सिद्ध हो जाए हर क्लास आपको ऐसे ही मिलेगी विस्तार पूर्वक चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज के टॉपिक को इतिहास लेखन जैसा कि मैंने कहा कि एक विदेशी व्यक्ति ने इतिहास लेखन किया था एक हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाला एक विदेशी व्यक्ति था और उस विदेशी व्यक्ति का नाम था यस क्या नाम था जी उसका गारसद तासी गारसद तासी एक विदेशी व्यक्ति था जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा अब आपकी बात दिमाग में ये बात जरूर आ रही आ रही होगी इसे ऐसी क्या पड़ी थी कि ये इतिहास लेखन के लिए आया भारत में या ये क्यों लिख रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास सभी बातों को हम लेके चलते हैं सुनिएगा पहली बात हम गारसद तासी के बारे में कर लेते हैं कि गार्सद तासी था कौन ये एक फ्रेंच विद्वान थे गार्सद तासी एक फ्रेंच विद्वान थे आप जैसे ही फ्रेंच शब्द आता है आप समझ गए होंगे कि ये फ्रेंच विद्वान का मतलब फ्रांस से थे कहाँ से थे ये फ्रांस से गार्सद तासी का संबंध फ्रांस से था और आपको बता दूं, फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में पेरिस यूनिवर्सिटी यु, में पेरिस विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे कौन गार्सद तासी गार्सद तासी फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और ये प्रोफेसर किस भाषा के थे ये उर्दू भाषा के प्रोफेसर थे गार्सद तासी गार्सद तासी एक फ्रेंच विद्वान थी फ्रांस के पेरिस यूनिवर्सिटी में पेरिस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे प्रोफेसर थे वहां के और किस भाषा के प्रोफेसर थे उर्दू भाषा के प्रोफेसर थे अब उर्दू भाषा का प्रोफेसर है और उर्दू साहित्य में रुचि रखते हैं भाषा का प्रोफेसर होने का मतलब साहित्य में रुचि रखते हैं अपनी साहित्य में रुचि उर्दू साहित्य में रुचि उर्दू साहित्य का अध्ययन उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए देखिएगा उर्दू साहित्य का प्रोफेसर था तो ये व्यक्ति गार्सद तासी उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए भारत आए उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए भारत आए अब आप देखो अगर हमसे पूछा जाए कि भारत क्यों आए ताशी का भारत आगमन क्यों हुआ तो हम सीधा कहेंगे कि ये उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे अब क्यों उर्दू साहित्य का अध्ययन करने आए क्योंकि ये प्रोफेसर ही उर्दू भाषा का था उर्दू भाषा के प्रोफेसर प्रोफेसर थे और भारत में आए उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए तो सीधी सी बात कि उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए भारत ही क्यों आए ये क्या कारण था और कब आए ये भारत में आते हैं अठारह को अठारह में इनका आगमन हो गया था भारत में और क्यों आए क्योंकि आपको ज्ञात है कि भारत पर मुगलों का, का आधिपत्य रहा था भारत पर किसका आधिपत्य रहा था मुगलों का आधिपत्य रहा था भारत पर मुगलों का आधिपत्य रहा था और यह भी हमें ज्ञात है कि जब भारत पर मुगलों का आधिपत्य रहा तो मुगलों की जो भाषा थी राजभाषा वो क्या थी उर्दू थी तो मुगल जो थे मुगल शासक जो थे वो उर्दू को ज्यादा महत्व देते थे उर्दू को ज्यादा महत्व देते थे तो यहाँ जब मुगलों ने 200 250 300 सालों तक जब काम किया तो यहाँ उर्दू साहित्य ज्यादा मिला मुगलों के शासन में कौन सा साहित्य ज्यादा मिला उर्दू साहित्य लिखा गया अब चूंकि ये उर्दू के प्रोफेसर थे भारत आए अठारह में भारत आए और क्यों आए उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए उर्दू साहित्य क्यों मिला भारत में क्योंकि उससे पहले कौन थे मुगल और मुगलों की भाषा क्या रही थी राजभाषा उर्दू अब देखो सारी सिचुएशन क्लियर हुई क्या क्लियर हुई कि पहली बात गारसातासी कौन पहली बात गारसातासी कौन गारसातासी एक हमारे फ्रेंच विद्वान है फ्रेंच का मतलब हम क्या समझेंगे फ्रांस के क्या करते थे पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे किस भाषा के प्रोफेसर थे के। और फिर ये भारत आए कब आए अठारह में क्यों आए क्योंकि उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए आए उर्दू साहित्य का अध्ययन भारत में उर्दू के संबंध में क्या था तो हम कहेंगे भारत में उर्दू के संबंध में ये था कि भारत पर मुगलों का आधिपत्य रहा था लंबे समय तक दो सौ सालों तक और उन मुगल शासनकाल में मुगलों की जो भाषा थी वो क्या थी उर्दू और मुगलों ने किस प्रकार के साहित्य को जन्म दिया उर्दू साहित्य को जन्म दिया अब उर्दू साहित्य यहां फला फूला मुगलों के प्रभाव से कौन सा साहित्य फला फूला उर्दू साहित्य जब ये उर्दू साहित्य फला फूला तो गार्सद तासी आएगा क्योंकि वो तो अपने भाषा को विकास देने के लिए आ रहा है साहित्य को कर... कर... अध्ययन अध्ययन करने के लिए आ रहा है उर्दू साहित्य को ढूंढने के लिए आ रहा है और ये बेचारे भारत आ गए कौन गारसद तासी अब देखिए क्या होता है गारसद तासी जैसे ही भारत में आते हैं और आकर भारत से कहते हैं कि आपकी कोई इतिहास की पुस्तक दीजिए मुझे कोई इतिहास का ग्रंथ दीजिए मुझे भारत वाले अपना हाथ खाली दिखा देते हैं कि हमारे पास ऐसा तो कोई इतिहास नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे पास तो वार्ता ग्रंथ है चौरासी वैष्णव की वार्ता ले लो दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता ले लो भक्तमान ले लो ये हमारे पास मौजूद है भाव प्रकाश ले सकते हो कालिदास हजारा ले सकते हो ये किताबें हैं जी देख लो इनमें से कोई समझ में आता है तो आपके तो इसने समझ लिया भी इनके पास इतिहास के नाम पर जीरो है कोई चीज़ नहीं है तो ये व्यक्ति 1836 में इसने क्या किया 1836 में इन्होंने भारत की समस्त भारत की समस्त बिखरी साहित्यिक सामग्री भारत की समस्त बिखरी साहित्यिक सामग्री को एकत्र किया एकत्रित नहीं होता एकत्र एकत्र किया एकत्रित शब्द गलत होगा एकत्र किया भारत की समस्त बिखरी हुई साहित्यिक सामग्री को इस व्यक्ति ने 1836 में एकत्र कर लिया इकट्ठा कर लिया अपने साथ और अपने साथ इकट्ठा करके चला गया अपने देश का आराम से तसली से पढ़ूंगा वहां जाकर अब ये गारसदा ताशी जी वापस अपने देश चले गए अभी तक की कहानी ये है गारसद ताशी की भारत आए फ्रांस से क्यों आए उर्दू को अध्ययन करने के लिए उर्दू साहित्य का अध्ययन करने के लिए भारत आए उर्दू का प्रोफेसर था समस्त हुई साहित्यिक सामग्री को एकत्रित किया और अपने साथ अपने देश फ्रांस ले गया क्लियर आगे देखिए फिर क्या हुआ ये क्लियर है आपके समझ रहे हैं इतनी बात को आगे बढ़ते हैं फिर हुआ ये जैसे ही वहां ले गए वहां बैठकर फ्रांस में जाकर इन्होंने समस्त बिखरी हुई साहित्यिक सामग्री को जो आ, टुकड़ों में बंटी हुई थी जो बिखरी पड़ी थी साहित्यिक सामग्री उसका अध्ययन किया और उसको एक जिलद में एक बाइंडिंग कर दी एक पुस्तक का रूप दे दिया उन सभी ग्रंथों को पढ़कर क्या नाम दिया उसका गार्सल तासी ने अध्ययन किया उन भारत की बिखरी हुई साहित्यिक सामग्री का अध्ययन किया और अध्ययन स्वरूप अध्ययन के बाद उसे एक इतिहास लेखन के लिए उसने एक प्रारूप तैयार कर लिया एक ड्राफ्ट बना लिया और उस प्रारूप उस पुस्तक का नाम क्या रखा वो देखिए इन्होंने नाम रखा इस्तवारदला यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस्तवार द लित्रेतुर अब देखो लित्रेतुर शब्द बोलते ही, फ्रेंच की सी फीलिंग आ रही है ना इस्तवारदला द लित्रेतुर एन्दुई एन्दोस्तानी गारसा द तासी ने उस समस्त बिखरे सामग्री को एकत्र किया और उसे प्रकाशित कर दिया किस नाम से इस्तवार दा लित्रेतुर एदो क्लियर अब देखें क्या है क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं इससे पहली बात हमसे कोई पूछ सकता है इस्तवार का मतलब क्या होता है तो इस्तवार का मतलब इस्तवार का मतलब क्या है इस्तवार ला का मतलब होता है व्यवस्थित व्यवस्थित क्रमिक इतिहास व्यवस्थित क्रमिक इतिहास इस्तवार माने हिस्ट्री इतिहास इतिहास किसका इतिहास लिटरेचर लिटरेचर का मतलब लिटरेचर लिटरेचर का मतलब साहित्य साहित्य का व्यवस्थित और क्रमिक इतिहास लेकिन किस प्रकार के साहित्य का यहां से सुनिएगा बात को ऐसा एक क्वेश्चन आया था एक बार नेट में आया था ऐसा क्वेश्चन कि तासी के ग्रंथ में एंदुई शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका आशय है यानी एंदुई का मीनिंग क्या है और ऐसा ही एक प्रश्न और आया हुआ है कि हुस्तानी से अभिप्राय क्या है जब हम भाषा का अध्ययन करेंगे भाषा टॉपिक फर्स्ट एड में भी है सेकंड एड में भी है और कॉलेज लेक्चर में भी है, जब हम भाषा को पढ़ेंगे वहां भी यह आएगा कि एन्दुई शब्द का मीनिंग क्या है हिंदुस्तानी क्या होती है इन सब पे बात करेंगे यहां हम बात कर लेते हैं कि इसतवार दला तो इसतवार दला का मतलब हमने किया लिटरेचर का मतलब हमने कहा एन्दुई एन्दुई का मतलब क्या है एदुई का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदुओं की भाषा हिंदुओं की भाषा यानी हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा और हम यहां यूज कर सकते हैं खड़ी बोली शब्द का प्रयोग खड़ी बोली के लिए तो सीधा सा प्रश्न यह आया था कि एंदुई एसनिक खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गार्सर ताशनी खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली का नामकरण क्या किया तो हम कहेंगे खड़ी बोली का नामकरण किया एंदुई अब बात है एन्दुस्तानी भी एन्दुस्तानी से क्या मतलब है तो एन्दुस्तानी से अभिप्राय है मुसलमानों की भाषा मुसलमानों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा मुसलमानों की भाषा और मुसलमानों की भाषा क्या है उर्दू अब वो क्या कह रहे हैं खड़ी बोली का अध्ययन और उर्दू का अध्ययन हिंदुओं की भाषा का अध्ययन मुसलमानों की भाषा का साहित्य का अध्ययन ये कहना चाहते हैं कौन गारद तासी एक क्वेश्चन पैट बनता है आपका यहां से कि वो एन्द्रीय का पूछ सकता है हिंदुस्तानी का पूछ सकता है इस तरद का मीनिंग पूछा जा सकता है अगर एक लेवल का पेपर होता है जैसे कॉलेज लेक्चर या स्कूल लेक्चर का अगर आप फेस करोगे तब साथियों हमारा ये कोर्स आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध मिलेगा संकल्प गंगानगर ऐप डाउनलोड कीजिएगा और उस ऐप पर आपको ये हमारे जो वीडियोज आप जो देख रहे हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम हम क्लासरूम से भी लाइव दे रहे हैं आपको और रिकॉर्डेड वीडियो भी वहां आपको उपलब्ध मिलेंगे जो आपकी तैयारी के लिए बहुत कारगर होंगे यकीन मानिएगा मैं आपसे वादा करता हूँ मैं दावा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएंगे आपके जीवन में आपके जीवन की जो सुनहरे पल जो आपके जीवन में जो अच्छे खुशा खुशी के जो पल आ सकते हैं वो यही वीडियो है जुड़िएगा जरूर चलिएगा क्या बात चल रही है अपनी इस्तवार का मतलब इस्तवार का मतलब होता है व्यवस्थित और क्रमिक लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य हिंदु का मतलब हिंदुओं की भाषा हिंदुस्तानी मतलब मुसलमानों की भाषा यानी कि उर्दू जब हिंदुओं की भाषा बनी तो हिंदुस्तानी जो शब्द बना हिंदुस्तानी शब्द जो बना वो हिंदुस्तानी से निकला हुआ है हिंदुस्तानी बराबर हिंदुस्तानी आपको बता दूं एक भाषा का विवाद हुआ था कि भारत की राजभाषा किसे बनाया जाए उर्दू को बनाया जाए हिंदी को बनाया जाए हिंदुस्तानी को बनाया जाए और बहुत लंबा विवाद चला था भारत में भाषाई विवाद आज तक भी जारी है मराठी मानुस है। के नारे लगते हैं मराठी बोलोगे तो रह सकते हो अदरवाइज नहीं रह सकते इसका मतलब भाषाई विवाद आज तक जारी है आपको याद होगा 1955 में भाषाई दंगे हुए थे भारत में जब संविधान में यह कह दिया कि राजभाषा हिंदी होगी तो आपको पता है जो आर्टिकल 349, 349 संविधान के तीन से लेकर तीन तक जो हमें जो हिंदी की संविधानिक स्थिति जो हम देख रहे हैं उसको जब हम पढ़ेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा की जब बात करेंगे अनुच्छेद तीन से लेकर तीन तक के जो अनुच्छेद हैं उनको लेकर आपको बताएं कि बहुत बड़ा विवाद हुआ था 1955 1955 में और उस समय भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इस भाषाई दंगों को शांत करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया था कि वो कल कदम आज भी हमारे संविधान के साथ चिपका पड़ा है और अनवरत जारी है यानी जो अंग्रेजी संविधान निर्माण के समय हमारी सहायक भाषा थी वो अब सहायक भाषा न रहकर मुख्य भाषा बन गई है और जो हमारी हिंदी मुख्य भाषा थी वो गौण हो चुकी है आज भी आप कोई भी एग्जाम देते हो जो बायलिंग्वल मेथड में होता है यानी दो भाषाओं में आता है हिंदी और अंग्रेजी वर्जन होता है जैसे आप जीके का पेपर दोगे उसमें क्या होगा ऐसा लिखा हुआ आएगा कि अगर हिंदी प्रश्न में कोई भी त्रुटि होती है तो उसका अंग्रेजी वर्जन सही माना जाएगा क्या हुआ अंग्रेजी को मान्यता दे दी अपने आप ही तो ये भाषा ही दंगे चल रहे हैं चलिएगा बात अपनी क्या चल रही है कि हिंदुस्तानी माने हिंदुस्तानी जो भाषा की मैं बात कर रहा था हिंदुस्तानी का समर्थन करने वाले कौन थे उर्दू का समर्थन करने वाले कौन थे राम प्रसाद निरंजनी ने क्या काम ये सारी बातें जब हम जिस साहित्य को विस्तार से लेकर जाएंगे आपको आगे क्लासों में लेके जाएंगे तब आप पढ़ेंगे और इतना आनंद के साथ पढ़ेंगे कि आपको खुद को याद होगा और आपको खुद का इंटरेस्ट बनेगा इतिहास ग्रंथों को पढ़ने का यहां तक हिंदुई माने हिंदुओं की हिंदुस्तानी माने मुसलमानों की उस समय मुसलमानों की भाषा उर्दू थी हिंदुओं की खड़ी बोली ब्रज भाषा ऐसा क्योंकि आधुनिक काल शुरू हो चुका था ये के इतिहास ग्रंथ का नाम है चलिएगा एक बार पुनः हम आगे बढ़ते हैं ताशी ने कौन सा इतिहास ग्रंथ इन्हों लिखा इन्होंने लिखा इस्तवार द ला इस्तवार द ला लिटरेचर एद एंडोस्तानी ये इतिहास ग्रंथ का नाम है किसके इतिहास ग्रंथ का नाम है गारसा तासी के गारसा तासी जो कि एक पाश्चात्य विद्वान थे उनके इतिहास ग्रंथ का नाम इसवार फ्रेंच विद्वान उनके इतिहास ग्रंथ का नाम इसवार द अब देखिए इस के बारे में जानकारी देखें पहले तो इस हेडिंग की जानकारी ली हमने पहले तो इस हेडिंग को जाना अब जानते हैं कि क्या कुछ है प्रारंभ में प्रारंभ में जब ये ग्रंथ लिखा गया था प्रारंभ में कुल दो भाग थे प्रारंभ में कुल कितने भाग थे इसके दो भाग थे स्तवार्दला के कुल कितने भाग थे तो हम कहेंगे दो इसका प्रथम भाग जो था पहला जो इसका भाग बना उसका प्रकाशन कब हुआ इसके प्रथम भाग का प्रकाशन अठारह ईस्वी में हुआ इसका द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ इस्धला का द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ हमारे देश की आजादी से ठीक सो वर्ष पूर्व यानी 1947 से पहले सौ साल तो अठारह में इसवार दला के कुल भाग कितने हैं इसवार दला के कुल भाग कितने हैं तो हम कहेंगे कुल भाग दो है पहला भाग कब प्रकाशित हुआ अठारह में द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ अठारह में क्लियर अब बात करते हैं इसवार दला की भाषा क्या है दला की भाषा है फ्रेंच भाषा कौन सी इसकी इस दला की भाषा है फ्रेंच यानी कि यह किस भाषा में लिखा गया फ्रेंच अब आप देखो मैंने क्या कहा आपसे कि भाषा भी विदेशी है लिखने वाला भी विदेशी है तो भारत का पहला इतिहास हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया विदेशी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया विदेशी भाषा में लिखा गया आगे बढ़ते हैं कुल कितने कवि हैं इसमें कुल कवियों की संख्या पूछी जा सकती है कि इसमें कुल कितने कवि मौजूद हैं हम कहेंगे इसमें कुल 738 कवि हैं परंतु हिंदी के कवि कितने हैं 738 में से अगर हमसे पूछ ले कि हिंदी के कवियों की संख्या बताओ हिंदी के कवि कितने हैं इसमें से तो हिंदी के जो कवि हैं वो बहुत कम बनते हैं 72 यानी कि हिंदी के तो केवल बेहतर कवि हैं हिंदी के कवि केवल बेहतर ओनली सेवेंटी टू कवि हिंदी के शेष कवि किस भाषा के हैं शेष किसके हैं शेष हैं उर्दू के ज्यादा कवियों की संख्या किस भाषा के कवि है इसमें उर्दू के हिंदी के केवल बेहतर कवि हैं तो अगर हमसे पूछ ले इस ला में कुल कवियों की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे सात सौ अड़तीस हिंदी के कितने हैं तो हम कहेंगे बेहतर आगे देखते हैं यह है इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया इस इतिहास ग्रंथ लेखन की पद्धति कौन सी है तो हम कहेंगे यह इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया इतिहास लेखन की इतिहास लेखन की सबसे असफल पद्धति जिसे कहा कह सकते हो प्राचीन तो है ही है सबसे निरज सबसे असफल पद्धति मानी जाती है वो है वर्णानुक्रम पत्ती अल्फाबेटिक मेथड वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है कि कवियों को उनके कालक्रम में नहीं रखा जाता वे कौन कवि कब आया वो नहीं रखा जाता इनको अल्फाबेट में रखा जाता है और आपको बता दूं इन्होंने ये जो वर्णानुक्रम पद्धति ली है अल्फाबेट लिया है ना ये अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेट लिया है इंग्लिश का अल्फाबेट यूज किया इन्होंने यानी ए नाम पे जो कवि आए उनको एक साथ रख दिया जितने कभी ए के मिले बी नाम पे जिसके भी जितने भी कवि ढूंढे उनको बी पे लिख दिया सी पे डी पे ऐसे उन्होंने कवियों का वर्गीकरण किया है पद्धति कौन सी लगाई हमने वर्णानुक्रम पद्धति अब देखते हैं इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ गार्सद तासी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया स्तवार्द लाल हिंदु हिंदुस्तानी का प्रकाशन कहां से हुआ तो हम कहेंगे जी इसका प्रकाशन हुआ था आयरलैंड या आयरलैंड का ही दूसरा नाम है ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन या आयरलैंड से इसका प्रकाशन किया गया था स्वार्द ला का प्रकाशन स्तवार्द ला को अंतिम बार कब प्रकाशित हुआ इसका स्तवार्द ला का जो अंतिम प्रकाशन जो हुआ वो हुआ था 1800 इकहत्तर में और आपको बता दूं कि अठारह में जब इसका अंतिम प्रकाशन किया उस समय इसके कुल भाग कितने बन गए थे थे तीन भाग भाग देखिएगा पहले पहले कितने भाग थे इसके पहले दो भाग थे यानी पहला भाग तो अठारह वाला है अठारह दूसरा भाग अठारह अब इसका इन दोनों को ही क्या कर दिया गया अब आगे चलकर संशोधित कर दिया गया संशोधन और परिवर्धन कर दिया गया संशोधित करके एक नया भाग और जोड़ दिया गया अठारह में अगर पूछ लिया जाए कि अंतत ताशी के इतिहास में कुल कितने भाग हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा कुल तीन भाग हैं। प्रारंभ कितने भाग थे दो तीसरा भाग कब जुड़ा अठारह में एक और बात आपको बता दूं जो अठारह में जो प्रथम भाग प्रकाशित हुआ उनचालीस में जो प्रथम भाग प्रकाशित हुआ इसके बारे में आप याद रखना कि ये जो अठारह वाला जो भाग है इसमें केवल और केवल केवल कवियों का वर्णन है केवल कवियों का वर्णन मिलता है अठारह में जो भाग प्रकाशित हुआ उसमें तो क्या मिला केवल कवियों का वर्णन भी कबीर भी हुआ था जी अंगद नाम के कवि भी हुए तुलसी भी हुए ऐसे वर्णन मिल गया और अठारह में जो भाग आया इसमें कवियों का जिक्र न करके कवियों की रचनाएं कवियों की रचनाएं प्रस्तुत की गई क्या प्रस्तुत की गई इसमें कवियों की रचनाएं अठारह वाले भाग में तो क्या प्रकाशित किया गया कवियों की रचनाएं और अठारह में केवल और केवल कवियों का भी ये कवि जन्मे इस समय जन्मे इस समय मृत्यु उनके बारे में बताया गया ये काम हुआ आगे देखें अब हुआ क्या जैसे ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ कब पहला भाग उनचालीस में दूसरा सैतालीस में तो जैसे ही प्रकाशित हुआ तो इसका अनुवाद शुरू हो गया तासी के इतिहास का अनुवाद शुरू हो गया अनुवाद किसने किया तासी के इतिहास ग्रंथ का पहला अनुवाद जो हुआ वो हुआ मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा मौलवी करीमुद्दीन जी के द्वारा इसका अनुवाद हुआ ताशी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने किया किस भाषा में किया उर्दू भाषा में किया और कब किया 1848 में अब देखो पहला भाग उनचालीस में आ गया दूसरा सैंतालीस में और अनुवाद भी हो गया कब 48 में एक्चुअली ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था अब फ्रेंच भाषा में लिखा है तो भारतीयों की तो समझ में आने से रहा इतनी जल्दी तो क्या हुआ कि इसका अनुवाद रूप प्रस्तुत किया गया अनुवाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम मौलवी करीमुद्दीन मौलवी करीमुद्दीन ने इसका अनुवाद 1848 में कर दिया किस नाम से किया इन्होंने किया तजीरा सुराई हिंदी तजकीरा सुराय हिंदी रिपीट कीजिए के इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तुवार दाला प्रारं में कुल कितने भाग प्रारंभिक दो भाग पहला भाग अठारह दूसरा भाग अठारह भाषा क्या थी फ्रेंच कुल कवि कितने हैं सात हिंदी के केवल हिंदी के कवि केवल बेहतर पत्ती कौन सी है वर्णानुक्रम पत्ती। प्रकाशन से हुआ प्राची विद्या विशारद या प्राच्य विद्या समिति थी एक वियना की उसके थ्रू ये प्रकाशन हुआ आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन से आप इसका नाम ओ भी है ओ ग्रेट ब्रिटेन से प्रकाशन हुआ अंतिम प्रकाशन अठारह में जब इसका अंतिम प्रकाशन हुआ तो कितने भाग हो गए तीन पहले कितने थे दो अंत में जाकर कितने भाग हो गए तीन जो पहला भाग है उसमें केवल और केवल कवियों का परिचय दूसरा भाग उसमें केवल रचनाओं का परिचय इसका अनुवाद कब हुआ इसका अनुवाद हुआ 1848 में किसने किया मौलवी करीमुद्दीन ने किस नाम से किया नाम से किया ए एरा हिंदी तजकीरा इस नाम से इसका उर्दू अनुवाद किया था मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू अनुवाद किया था मौलवी करीमुद्दीन ने क्लियर मौलवी करीमुद्दीन ने जो उर्दू अनुवाद किया उसमें हिंदी के कवि कितने थे आपके लिए प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं आज कि मौलवी करीमुद्दीन ने जो उर्दू अनुवाद किया मौलवी करीमुद्दीन जी का जो उर्दू अनुवाद आया इस का इस में, इस में हिंदी के कितने कवि थे गारसातासी में सेवनटी टू थे गारसातासी में सेवनटी टू थे मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू अनुवाद में कितने कवियों को रखा हिंदी के कवियों को हिंदी के कितने कवियों को रखा यह प्रश्न आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका उत्तर देंगे और अगर जिनका उत्तर सही हुआ उनको उनकी प्रशंसा भी की जाएगी और उनके लिए कामना भी की जाएगी वो जल्दी कामयाब हो और मुझे पता है कि इसका उत्तर आप खोज लेंगे अगर कहीं भी दिक्कत आएगी तो मैं इसका जवाब आपको निश्चित रूप से दूंगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम अभी तक आ गए हैं उर्दू अनुवाद तक कुल कवि कितने थे पत्ती कौन सी थी अनुवाद किसने किया आगे देखें अगर गार्सर के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पूछ लिया जाए की हिंदी अनुवाद किसने किया गार्सन तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया तो हिंदी अनुवाद किया था, लक्ष्ट। था, लक्ष्ट। था।, था। लक्ष्ट। लक्ष्मी सागर लक्ष्मी सागर वारसण्य ने लक्ष्मी सागर वार्सण्य ने गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया और किस नाम से किया किस नाम से किया एंदुई साहित्य का इतिहास एंदुई साहित्य का इतिहास इस नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया और यह हिंदी अनुवाद कब किया गया 1952 फिफ्टी टू उन्नीस सौ बावन में इसका हिंदी अनुवाद किया गया किसके द्वारा लक्ष्मी सागर वारस के द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया जो बनारस से संबंध रखते हैं इनके द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया और किस नाम से किया गया तो एन्दुई साहित्य का इतिहास इस नाम से इसका हिंदी अनुवाद हुआ आगे देखें अगर यह पूछ लिया जाए कि गारसाद तासी ने गारसद तासी जो फ्रेंच विद्वान है गारसा दासी ने अपना इतिहास ग्रंथ समर्पित किसे किया मतलब होता है ना मैं अपना ये इतिहास ग्रंथ ये पुस्तक इसे समर्पित करता हूँ समर्पित किसे किया गारसा दासी ने अपना इतिहास ग्रंथ जब लिख दिया और लिख कर समर्पित किया और किसे समर्पित किया तो उत्तर होगा ये समर्पित किया गया था महारानी विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया को ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया को यह है इतिहास ग्रंथ समर्पित किया गया लिखकर यानी गारसातासी लिखकर किसे समर्पण कर दिया ये इतिहास समर्पित किसे किया महारानी विक्टोरिया को क्यों क्योंकि गारसा तासी ये कहते थे कि महारानी विक्टोरिया तो रजिया सुल्तान है भारत में जिस प्रकार रजिया सुल्तान का नाम था प्रथम महिला शासिका तो उसी प्रकार महारानी विक्टोरिया की तुलना रजिया सुल्तान से करते हुए इन्होंने महारानी विक्टोरिया को अपना इतिहास ग्रंथ समर्पित कर दिया किसे समर्पित किया महारानी विक्टोरिया को क्या कह के किया कि जिस प्रकार भारत में प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान हुई है सेम वैसे ही हमारे लिए महारानी विक्टोरिया है तो मैं अपना इतिहास ग्रंथ समर्पित करता हूं महारानी विक्टोरिया को आपको बता दूं गार्सर तासी के इतिहास ग्रंथ की जो भूमिका है तासी के इतिहास ग्रंथ की भूमिका है उसमें कुल अठारह पृष्ठ हैं कुल कितने पृष्ठ हैं अठारह और संपूर्ण इतिहास ग्रंथ में कितने पृष्ठ हैं अठारह सो चौतीस मिलते हैं पूरे ग्रंथ में कितने प्रश्न मिलते हैं अठारह सो चौतीस हालांकि ये प्रश्न नहीं बनता हालांकि ये बातें मुझे अच्छी भी नहीं लगती अठारह प्रश्न है अठारह चौतीस प्रश्न है क्या मतलब है लेकिन आजकल के जो एग्जामिनर हैं वो आपसे ऐसी आशा करते हैं कि आपको क्या अच्छा आता है वो ये नहीं जानते वो ये खोजना खोजने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या नहीं आता तो अगला कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे बात को थोड़ी सी गहराई में उतरेंगे गारसा ताशी की कोई भी बात अब यहां से बची नहीं है ये टॉपिक गारसा ताशी को लेकर जो चल रहा था बिल्कुल बारीकी के साथ आपको प्रस्तुत किया लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन और मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूं एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने आपको मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ अनुवादित इतिहास ग्रंथ कौन सा तजकीय हिंदी इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कुल कवि कितने थे एक तो इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट के माध्यम से मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दूसरा दूसरा आप मुझे जवाब देंगे कि कौन सा ये जो गारसा तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा इसके बारे में एक विद्वान ने एक टिप्पणी की थी और यह कहा था कि गार्सद तासी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के साहित्य इतिहास लेखन के प्रथम इतिहास लेखक हैं निर्विवादित ही कहा ये किसने कहा यानी गार्सद तासी को गार्सद तासी को निर्विवाद प्रथम लेखक प्रथम इतिहास लेखक माना किसने माना है प्रथम इतिहास लेखक निर्विवाद रूप से प्रथम इतिहास लेखक है ये कहने वाले कौन हुए हैं ग्यारस तासी निर्विवादित प्रथम इतिहास लेखक हैं ये कहने वाले कौन है कृपया इसका जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से दे जी कौन है चलिए इंतजार खत्म हो रहा है नलिन विलोचन शर्मा नाम सुना होगा बहुत बड़े इतिहासकार हुए नलिन विलोचन शर्मा नलिन विलोचन शर्मा इतने बड़े इतिहासकार इनका एक इतिहास ग्रंथ भी है अगर आपको याद हो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ लिखने वाले विद्वान का नाम नलिन विलोचन शर्मा तो ये था हमारा गारसाद तासी एक बार हल्का सा रिपीट करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे जी हमने पढ़ा है गारसाद तासी को क्योंकि एक फ्रेंच विद्वान थे यानी फ्रांस से संबंध रखते थे पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे उर्दू साहित्य को पढ़ने के लिए भारत आए कब आए अठारह में आए क्यों आए क्योंकि भारत में मुगलों का शासन था उर्दू साहित्य वहां खूब मिला था और इन्होंने भारत की समस्त बिखरी हुई साहित्यिक सामग्री को एकत्रित किया और एकत्र करके अपने साथ अपने देश ले गए फिर क्या किया अपने देश ले जाकर इन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया ग्रंथ का नाम क्या है ग्रंथ का नाम है इस्तवार दलाित्रुवेत्र एन्दुई हिंदुस्तानी का मतलब होता है व्यवस्थित और क्रमिक और एन्दुई का मतलब होता है हिंदुओं की भाषा लित्रुएत्र का मतलब होता है साहित्य और हस्तानी का मतलब उर्दू की उर्दू भाषा या मुसलमानों की भाषा इस प्रकार से हमने एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया मैंने कहा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से हिंदुई और हिंदुस्तानी इस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है वो याद रखें फिर हमने कहा इसवार दलाल इतरे हिंदुस्तानी के प्रारंभ में कुल भाग कितने थे दो पहला भाग उनचालीस में दूसरा भाग सैंतालीस में भाषा क्या है फ्रेंच सैंतालीस में जैसे ही प्रकाशन हुआ इसका अनुवाद कर दिया मौलवी करीमुद्दीन ने अठारह सौ अड़तालीस में किस नाम से तजकीय सुराय हिंदी नाम से इस्तवार में कुल कवि कितने हैं सात सौ अड़तीस हिंदी के कवि कितने हैं बेहतर शेष कवि किसके हैं उर्दू के पद्धति कौन सी है वर्णानुक्रम और वर्णानुक्रम भी कैसा लगाया है अंग्रेजी वर्णक्रम में लिखा है प्रकाशन कहाँ से हुआ आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन से अंतिम प्रकाशन कब हुआ अठारह में तब कितने भाग हो गए थे इसके तीन अब हमसे पूछ ले कि संशोधित रूप से कितने भाग हैं तो तीन हम तीन जवाब करेंगे इसका जो इसका पहला भाग है इसमें केवल और केवल किसका वर्णन मिलता है कवियों का दूसरे भाग में केवल कवियों की रचनाएं हैं आगे देखें हिंदी अनुवाद किसने किया लक्ष्मी सागर वारसंद ने जो बनारस से संबंध रखते हैं बनारस यूनिवर्सिटी से, से संबंध रखते हैं एनोई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी अनुवाद हुआ और कब हुआ वर्ष उन्नीस में गार्सर दासी ने अपना ग्रंथ समर्पित किसे किया हम कहेंगे समर्पण जो करते हैं समर्पित कर दिया किसको समर्पित किया महारानी विक्टोरिया को और विक्टोरिया को क्या मानते हुए समर्पित किया विक्टोरिया को भारत जैसे विक्टोरिया की तुलना किससे की थी रजिया सुल्तान से कि भारत की रजिया सुल्तान है महारानी विक्टोरिया तो इसलिए मैं इसको समर्पित करता हूं भूमिका भूमिका में कितने प्रश्न है अठारह और कुल प्रश्न कितने हैं अठारह सौ ये किसने कहा कि गार्सद तासी निर्विवाद प्रथम इतिहास लेखक हैं हिंदी साहित्य इतिहास के किसने कहा नलिन विलोचन शर्मा और ये नलिन विलोचन शर्मा वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य के संदर्भ में ये था आज का एक सिंपल सा एक टॉपिक स्टार्ट स्टार्ट था प्रारंभ था आपके लिए हर टॉपिक को हम इतनी ही बारीकी इतनी ही तल्लीनता और इतने ही मन इतने दिल और इतने हृदय के साथ पढ़ेंगे और इतने गहराई इतने प्यार से पढ़ेंगे कि आपके अंतर्मन तक ये अंकित हो ऐसा मेरा प्रयास रहेगा आपको या, ए, यकीन करना होगा मुझ पर जहां भी आपको दिक्कत आएगी आप मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे किसी भी विद्यार्थी को हिंदी साहित्य या हिंदी विषय में कहीं कोई दिक्कत ना आए ऐसी मैं काम ना करता हूं हमारे साथ जुड़े रहें ऐसा भी मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं सहयोग चाहता हूं हमारे जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चर के बैच जारी है और उनके बारे में भी आपको डिटेल्स बता दी जाएगी बता दी भी गई है और शीघ्र उनकी लॉन्चिंग भी हो रही है ये सारी जो मैटर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये उपलब्ध हैं कहाँ पर संकल्प गंगानगर ऐप पर और यूट्यूब चैनल संकल्प श्री गंगाना कोचिंग पर ये उपलब्ध है ये हमारे जो कोर्सेज कॉलेज व्याख्या था स्कूल व्याख्या था वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और समस्त प्रकार के कोर्स अवेलेबल रहेंगे किसी भी प्रकार की झिझक शंका हो तो आप इन दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं मैं संजय शर्मा एक बार पुनः आपका दिल से अभिनंदन स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े और आपका प्यार आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहे ऐसी मैं आशा करता हूँ धन्यवाद